रोहतक में हुई चार हत्याओं की गुत्थी सुलझ गई है। बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी की हत्या की है, ऐसा रोहतक पुलिस ने दावा किया है। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू, जिसकी उम्र 20 साल है, इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ में उसने हत्याकांड का जो है राज उगला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि बुधवार सुबह 9:30 बजे SP राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का जो है खुलासा किया है। उनके अनुसार बेटे ने ही पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया है। माँ बाप, बहन और नानी की जो हत्या हुई है उसके पीछे बेटे का ही हाथ है। SP राहुल शर्मा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये खुलासा हुआ है। बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है ये, किसी की सोच से भी परे था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बेटा ही इस पूरी वारदात के पीछे है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो बेटा है इस समय जो है पुलिस की गिरफ्त में है। SP राहुल शर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। आपको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक जिले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिषेक की अरेस्ट डाली है, बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेंज हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो मैं आंसर करूँ। देखिए अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था, वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिमन्यु का पर्सनल, अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए वो हमने मौके के पास की CCTV कैमराज, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट्स चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली है। और भी कोई हो सकता है? देखिए अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर रहे।